नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के नमस्ते चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि मामला काफी संगीन है। एक 16 साल की लड़की जो अपना नाम पीहू बता रही है, जो बता रही है कि मैं अम्बाला से दिल्ली जा रही थी और काफी ज्यादा इस वक्त डरी हुई है, पुलिस से खास तौर पर डरी हुई है। और लगातार हमें भी ये कहती हुई नजर आती है कि पुलिस को मत बुलाइए, लेकिन अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राजपुरा से? अच्छा, यहाँ कैसे आई? मैं एक दीदी के साथ आई थी, वहाँ से मुझे किसी ने उठाया था, फिर मैं यहाँ तक आई थी, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर मुझे एक भाई का नंबर था मेरे पास, जब मुझे दिल्ली जाना था। अच्छा, मेरे पास नंबर था, मैंने भाई को कॉल करके पूछा, भाई ने मुझे पहचाना नहीं, कहते मैं नहीं जानता, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई। अच्छा, तो घर का पता आपको? नहीं, घर का याद नहीं है। याद नहीं है? मेरे पापा का नाम रमेश है और मेरे मम्मा का नाम सुधा है और मैं राजपुरा सिटी से आई हूँ और फोकल पॉइंट है। अच्छा, तो घर के बारे में ये नहीं पता कि भाई कोई मोहल्ला कोई कॉलोनी आपकी? नहीं। ये नहीं पता। पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? टेंथ में। फिर करो तो पता होना चाहिए मोहल्ला का, उसका तो स्कूल का पता होगा। स्कूल में कौन से पढ़ती हो? धालीवाल। धालीवाल। अच्छा, ये कौन से रोड पे है? ये शाम दो। अच्छा अच्छा, चलो तो फिर आपको है ना आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जाओगे आप? पुलिस की टीम आ गई है, डर तो नहीं लग रहा? हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास मैसेज आया था कि भाई एक लड़की फलानी जगह ये नमस्ते चौक पर है और बस से उतरी है, तो हमारे पास जो फ़ोन आया था जिस भाई ने फ़ोन कराया था 112 डायल पे, उस मैसेज पर हम यहाँ पर पहुँचे। अब हम इस लड़की को लेकर इसके सही एड्रेस का पता करके और इसके घर तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। सर आपको बातचीत से क्या लग रहा है? जो नंबर इसके पास है स्लिप में बता रही है कि मेरा भाई है, लेकिन इन रिक्शे वालों ने फोन किया आगे से, उन्होंने कहा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ऐसा है, अगर नंबर के बारे में तो हमें अभी कुछ पता नहीं है, ना मैंने नंबर देखा है, लेकिन इससे जो ये लड़की बताएगी एड्रेस, इसका पता सही एड्रेस पता करके और इसको इसके घर तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। फिंगरप्रिंट से जाना जाएगा इसका एड्रेस या वो तो जैसा भी होगा, क्या रहेगा, जैसे भी तकनीकी उसके आधार पे इसका जो है घर पहुंचाया जाएगा। अभी कहाँ लेकर जाया जा रहा है? अभी इसको सेक्टर 4 की चौकी में लेकर जाएंगे, वहाँ पर संपर्क कराया जाएगा, भाई ये वहाँ के वाकई में रहने वाली है या कहीं और रहने वाली है। मामला आपको किस तरीके का लग रहा है? अब मामला तो ये बताएगी ना किस तरीके का है, मैंने तो इससे इस चीज़ के बारे में तो बात नहीं करी अभी, लेकिन इससे सही तरीके से बात करके इससे पूछताछ करके जब भी मामले के बारे में बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते भाई, कह सकते हैं। सुरेंद्र कुमार हैं और कहना ये है कि अभी हमारी जो टीम है वो मौके पर पहुंची और अभी ज़्यादा बातचीत पीहू से नहीं हो पाई है, ज़्यादा बातचीत होगी उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या कुछ मामला है। लेकिन बेटी को लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरंत डायल 112 की पुलिस की टीम मौके पर पहुँच चुकी है और अब पीहू को अपने साथ सेक्टर 4 चौकी में लेकर जाया जाएगा। और कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ। नहीं, खाना नहीं है? आपको खाना भी खिलाएंगे, सारी चीज करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। तुम्हारे घर कोई बात नहीं, आपके घर पहुँचे, घर में खाना खाना है, मेरे मम्मी पापा आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। मम्मी पापा का तो पता करके जब ये बताएंगे ना मम्मी पापा पर, इस तरह से घर से आना अच्छा भी होता ना, अच्छी बात नहीं होती। आ जाओ, चलो हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम के साथ ही अब पीहू का बैग है उसके साथ और उसको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में एक मामला इस तरीके का है क्योंकि देखिए 16 साल की बेटी है जिसको अपने घर का एड्रेस तो मालूम है लेकिन अपने घर में किसी के यानी कि अपनी मम्मी अपने पापा किसी का भी नंबर नहीं पता। और 16 साल की पीहू है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है और बताना ये है कि दिल्ली में अपने भाई के पास जा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मेरे भाई ने मुझे दिल्ली बुलाया था कि आप दिल्ली आ जाइए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायल 112 की पुलिस की टीम मौके पर पहुँच चुकी है और अब
पीहू को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और उसके माता पिता को करनाल बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो पता किया जाएगा कि पीहू के माता पिता असल में कहाँ के रहने वाले हैं और उसके बाद ही उसके माता पिता से संपर्क साध कर उसके माता पिता को यहाँ पर बुलाया जाएगा और सुपुत्र की जाएगी उनकी बेटी उन लोगों को। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आई बन 24, मैं हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। और ख़ास तौर पर अपने आसपास इस तरीके की अगर आप कोई भी महिला देखें, कोई बिटिया देखें जिसकी उम्र नाबालिग हो और आपको लगे कि कुछ संदिग्ध हो सकता है, उसके पास बैग है, उसके पास फ़ोन नहीं है और इस तरीके का आपको मामला लगता है, तो ज़रूर अपने आसपास के लोगों को बताएं। नज़दीकी पुलिस थाने में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोगों की बदौलत मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज पीहू को पुलिस के अभी फ़िलहाल हवाले किया गया है। क्या लगता है, पुलिस उनको उसको ले गई है, माता पिता को बुलाया जाएगा? हाँ जी, ज़रूर बुलाया जाएगा और ये अपने घर तक जा सकती है। धन्यवाद आपका। लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपने आसपास, क्योंकि आप ऑटो रिक्शा चालक हैं, आप तो रोज़ाना कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं, अगर इस तरीके से कोई नाबालिग बिटिया दिखती है तो उसको समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए? समझाने का प्रयास करना चाहिए जी, और हेल्प भी करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कई ऑटो रिक्शा वाले के साथ होता है जी, गलत होता है, हमारा साथ हुआ है, लेकिन हम फिर भी घबराते नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, हेल्प करो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हेल्प करो जी, वो अपने घर तक पहुँचे। हाँ जी, कुछ कर रही है, हम लोगों को भी प्रयास करने चाहिए। हाँ जी, जरूर करने चाहिए, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक कही कि तभी देश आगे बढ़ेगा अगर हम भी बेटियों की मदद करेंगे, महिलाओं की मदद करेंगे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि उनका यहाँ पर आसपास कोई नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। अभी पीछे की बात है, ऐसा ही केस था, ये आपको इसलिए बुलाया गया कि आप समाज सेवी हो और बड़े अच्छे काम करते हो, तो सुबह से फ़ोन आपको इसलिए किया गया था कि आपके माध्यम से अगर ये चीज़ जाएगी तो काफ़ी दूर तक जाएगी और सबको पता लगेगा, ये इनके परिवार तक भी पहुंच सकता है कि बच्चा हमारा कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी पीछे कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले की बात है, ये लड़का है गोविंद, ये भी लड़का रिक्शा चलाता है, इसके साथ क्या हुआ कि इसने ऐसे ही एक लड़की को फ़ोन दे दिया, इसने कहा भैया मैंने फ़ोन करना, मैंने पैसे मंगाने हैं, तो इसने फ़ोन दे दिया, वो लड़की घर से फरार थी। अच्छा। जैसे वो फरार थी, इसने फ़ोन दिया तो इसने वो इसका नंबर लड़के का ट्रेसिंग पे लगा रखा होगा घर वालों ने, पता होगा भाई किसके साथ क्या है उसका, तो ट्रेसिंग पे नंबर आने के बाद इसको फ़ोन आया भाई तू कहाँ है, कहाँ पे है, तेरे को उठा लेंगे, फलाना धमकाना मारेंगे, तो काफ़ी सारी धमकियाँ दी गई इसको भाई आधे घंटे बाद आता हूँ मैं, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, हम तेरे को तेरे साथ खड़े हैं। देखो एक कोई भी रक्षा वाला अगर किसी मदद करता है तो कोई लंबी जोड़ी बात नहीं है फ़ोन कराना। बिल्कुल। तो फ़ोन कराने के बाद ये डर गया बेचारा, गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, 500-700 रुपये कमाता है दिन के, तो एक घंटे बाद फिर इसका थाने से फ़ोन आ गया पानीपत से। अब पानीपत से इसको कहा गया कि भाई ऐसा है आप यहाँ आ जाओ नहीं तो आपको उठा लिया जाएगा, ये करा जाएगा। अब ये गरीब आदमी डरा हुआ पानीपत जाए, कम से कम 100-200 रुपये किराया होगा इसका, साथ में किसी को लेके जाएगा, झाड़ी घोड़ेगा, इसके बच्चे लगेंगे। अब रासमेंट भी होती है कहीं ना कहीं, प्रशासन की तरफ से रासमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आज आपको इसलिए बुलाया गया। चलो इसका वो मामला निपटवाया आपने, निपट गया परमात्मा की दया से, आज इसलिए स्पेशल आपको मीडिया के इसलिए बुलाया गया आप लोगों को कि आप समाज से भी, आपकी बात जाती है। हमने पहले पुलिस को इसलिए फ़ोन नहीं किया कि वहाँ पर 3600 लफड़े होने हैं, पहले आपको बुलाया जाए, उसके माध्यम से जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जो भी सिस्टम होगा। अब बच्ची से हमने बात करी, बच्ची बात कर रही है कि मैं अम्बाला की हूँ, मैंने पूछा बेटा कहाँ से हो, वो कहने लगी भी अम्बाला से, मैं कहा कौन से शहर से, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, हमें पता लगा, डाउट हुआ भी ये नई लड़की वहाँ की नहीं है, हो सकता आसपास की हो यहाँ करनाल की, लेकिन फिर भी डर लगता है, इसीलिए आप लोगों को आज बुलाया गया। हरासमेंट से डर लगता है, हर कोई डरता है, लेकिन स्पेशली देखो हमारी मीडिया इतनी मतलब ताकतवर है, उसके सारे हम लोग भी खड़े हैं, तो इससे होते हुए हमने कहा अभी बच्ची अपने घर पहुंच जाए ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया, हमारी आवाज़ आप तक जाए और आपकी आवाज़ वहाँ तक जाए। मैं आप तमाम लोगों को शाबाशी देना चाहूँगी कि आपने फिर भी एक अच्छी पहल ज़रूर की कि हम मीडिया को बुलाएं, उसके बाद इस बेटी का कुछ पता चल पाए और मीडिया ने यहाँ पर डायल 112 की टीम को बुलाया और उसके बाद वो बेटी को लेकर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि उसके माता पिता तक जल्द से जल्द ये जानकारी पहुँच पाए कि पीहू अब करनाल में है, करनाल में पुलिस के पास है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आई बन 24, मैं हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।